आम आदमी पार्टी नेताओं ने आगरा विकास प्राधिकरण में किया प्रदर्शन। प्राधिकरण के इनर रिंग रोड टोल और आगरा नोएडा और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 50 किलोमीटर में 3 टोल रोड होने का किया प्रदर्शन। परिवहन मंत्री ने 60 किलोमीटर में एक ही टोल वैध अन्य हटाए जाने का दिया आदेश। आगरा में केंद्रीय परिवहन मंत्री के आदेशों का हो रहा उल्लंघन, टोल के नाम पर हो रही जनता से लूट। इस पूरे मामले पर आप नेताओं ने आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरुण मौली को सौंपा ज्ञापन। अगर मांगों पर नहीं किया गया संज्ञान तो एक माह बाद होगा बड़ा आंदोलन। विषय से संबंधित दिया है कि माननीय राष्ट्रीय परिवहन मंत्री हमारे गडकरी जी, नितिन गडकरी जी ने भारत की संसद में खड़े होकर कहा कि 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, अगर है तो अवैध है। दूसरा, किसी भी टोल के पास आसपास रहने वाले 20 किलोमीटर तक के लोगों को टोल पे आने जाने की छूट होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। इस विषय को लेकर हमने ज्ञापन दिया। हमारे शहर में आगरा में 50 किलोमीटर पे 3 टोल प्लाजा है, रहनकला, खंदौली और फतेहाबाद वाला। भाई ये तीनों टोल प्लाजा या तो इन तीनों को खत्म करें या एक को खत्म करें या दो को खत्म करें, जो भी करें भाई, कम से कम पब्लिक से इतनी तो लूट मत कीजिए। अगर पब्लिक को लूट रहे हैं तो उसके बदले में दे क्या रहे हैं? वहां पर किसी भी टोल प्लाजा पे एम्बुलेंस नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां पे पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, हवा भराने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहां पर टो वाली ट्रेन नहीं है, और इन द इमरजेंसी केस वहां पर अगर कोई किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको तत्काल पेट्रोल या डीजल उपलब्ध होना चाहिए, वो तक वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था ना होने पर केवल धन उगाही उद्देश्य होना, ये गलत है। लोगों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए थी, और अवैध रूप से वो आश्वासन क्या उनके पास दिया है? और जितनी हमने तो तर्कपूर्ण बात कही, अगर नहीं होगा हम महीने भर बाद यहाँ धरना देना शुरू करेंगे, भाई आप गलत कर रहे हैं, और हाईकोर्ट तक लेकर जाएंगे। आज हमने अपनी बात को इन सक्षम अधिकारी के सामने रखा है, और इस बात को नहीं रखा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में बात आ गई। मैंने रखा है मेरे भारत के राष्ट्रीय परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने राजमार्गों की जो व्यवस्था कर रहे हैं, और उन्होंने भारत की संसद में ये बात कही, उनकी बात को कोट करके रखा है। अगर उनकी भी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? तानाशाही थोड़ी ना देश।